फिर दो देश हैं ऐसे जिसमें मुझे लगा कि उनके लिए मैंने थोड़ा एक्सक्लूसिव अटेंशन देना चाहिए। एक आपको लगेगा कि बहुत स्वाभाविक है, वो चीन है, और जो जो लेख जो है कि हम चीन को कैसे मैनेज करें। और मैंने चीन पे खास करके ध्यान दिया क्योंकि चीन जो है एक असाधारण पड़ोसी है, हमारे बहुत पड़ोसी हैं, पर चीन एक ही पड़ोसी है जो ग्लोबल पावर, हो सकता है कि सालों में सुपर पावर भी एक बन जाए, और ग्लोबल पावर के साथ बिल्कुल बगल में रहना इसकी अपनी चुनौती होती है। तो इसका सुझाव जो है सरल नहीं है, हमें इसके राजनीतिक सुझाव हैं, आर्थिक सुझाव हैं, हमें बॉर्डर को कैसे डेवलप करना है, इसके टेक्नोलॉजी सुझाव भी, तो चीन को कैसे मैनेज करें इसका एक लेख। और दूसरा देश जो है वो जापान, क्योंकि मुझे लगा उस समय कि हमने जापान का पूरा लाभ, उन रिश्तों का पूरा लाभ नहीं उठाया, कि सालों से हमारी जो समझ जो थी जापान की, कि जापान से हमें इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ मिल सकते हैं, पर जापान की टेक्नोलॉजी और आजकल जापान की सिक्योरिटी उनके सिक्योरिटी, क्योंकि उनका प्रभाव जो है, और कभी कभी आजकल आपने देखा होगा कि जापान की फौज भी काफ़ी जापान से काफ़ी दूर आती है, तो जापान का कैसे पूरा लाभ लें। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक लेख जो है वो इंडो पैसिफिक, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और इंडो पैसिफिक का महत्व ये है कि आजकल भारत की पहुंच, भारत का प्रभाव जो है ये हिंद महासागर से आगे जाकर प्रशांत महासागर तक पहुंचा है। तो एक किस्म से मेरा इसमें इसका मैसेज है कि वो विभाजन के बाद जो हमें जो हमारी जो इन्फ्लुएंस जो है इसको दुनिया ने हमें कहीं सिंगापुर और गल्फ के बीच में उसको बॉक्सिंग किया था कि हमारी एक सीमा बनाई थी कि आप भारत हैं, आप यहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ तक जा सकते हैं, बस आपका लिमिट ये है। तो आज जो है भारत का प्रशांत महासागर तक पहुँचना और वहाँ हमारी आर्थिक सहयोग हो या राजनीतिक हो या सुरक्षित हो, तो हमारी पहुंच कैसे पिछले सालों में कैसे बढ़ी। और आठवां जो था वो एक किस्म से मेरा फेवरेट है, जिसके बारे में दूसरों ने भी कहा, ये महाभारत पे मैंने लिखा था कि श्री कृष्ण, इसका टाइटल है इंग्लिश में कृष्णास चॉइस, मराठी में मेरे ख्याल से कहते हैं श्री कृष्ण निवास। तो और ये जो है मैंने स्ट्रैटेजिक कि भारत अपना स्ट्रैटेजिक कल्चर कैसे बनाए, तो उस परिप्रेक्ष्य से लिखा था। अब जैसे ये किताब प्रकाशित होने वाली थी, उस समय दुनिया में, भारत में भी कोविड की महामारी आई, तो मैंने आखिर में एक चैप्टर और ऐड किया था वायरस, मैंने कहा आफ्टर द वायरस कि, और ये आप सोचिए ये 2020 लॉकडाउन का समय है, कि मैं अनुमान लगा रहा था कि वायरस का प्रभाव क्या हो सकता है उस समय, क्योंकि उस समय ये स्पष्ट नहीं था। और पिछले साल जब ये इसी किताब की पेपरबैक एडिशन निकली, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा मैं और अपडेट एक बार और अपडेट कर दूं, और मैंने चार जो दुनिया में पिछले सालों में बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका, माने मिलजुल कर उनका दुनिया में प्रभाव क्या है, चार घटनाएं थी, महामारी, कोविड, एक जो यूक्रेन में जो संघर्ष हो रही है, अफगानिस्तान, अमेरिका की फौज जब वो अफगानिस्तान से निकले उसका असर क्या होगा, और जो बड़े देशों के बीच में तनाव जो पश्चिमी देश और रशिया या यूएस और चाइना, ये चार घटनाएं जो हैं इनका मिला के एक किस्म से दुनिया की स्थिति पर इसका प्रभाव क्या होगा। तो ये संक्षिप्त में मैंने सोचा कि मैं आपको किताब के बारे में बता दूं ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ेगा। और धन्यवाद।
अब मैं चार विषय जो हैं उन पे मैं थोड़ी सी मैं समय लेकर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। एक जो है वो अवध और इतिहास के बारे में है, और मैं इतिहास पे इसीलिए बल देता हूँ क्योंकि बड़े देश जो हैं ये स्वाभाविक है कि वो अपने ही बारे में सोचते रहे, ये उनकी एक एक किस्म से डीएनए की एक कमी है कि नहीं ये, और ये खाली भारत के बारे में नहीं, सब बड़े देश जो हैं वो अपने पर माने उनका पूरा ध्यान जो है वो अपने ऊपर होता है। और कभी कभी जो ग्लोबल, जब कोई भी देश ग्लोबल बनता है वो उस चक्रव्यूह से बाहर निकल के दुनिया के बारे में सोचना लगता है, जैसे अमेरिका ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब हमारे बारे में ही सोचिए कि अलेक्जेंडर के, सिकंदर के ज़माने से जो नॉर्थ वेस्ट से जो भी खतरे आए, कभी भारत में किसी ने पहले से सोचा नहीं था, जब तक वो खतरा बिल्कुल घर के अंदर नहीं आए। या आप समुंदर के बारे में सोचिए कि समुंदर से जो जो पश्चिमी देश भारत आए, उनको भी किसी ने एक किस्म से जो जो उस समय जो चिंता करनी चाहिए थी वो हमने नहीं किया। या मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, आज़ादी के बाद जब 1950 में, हो सकता कि आप में से काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में चीन के बारे में काफ़ी माने एक विवाद था, उनकी अलग अलग सोच थी। सरदार पटेल को लगा कि माने उत्तर से हिमालय के को पार करके भारत को खतरा हो सकता है चीन से, और ये आप मुझे आज भी जब मैं कोई जो नए जो फॉरेन सर्विस में विदेश सेवा में जो आते हैं मैं उनसे कहता हूँ कि ये जाकर आप जाकर ये जो एक्सचेंज ऑफ लेटर्स है इसको आप जाकर पढ़िए, क्योंकि ये हमारे में कमी है कि कुछ चीज़ अगर दूर हो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। कभी हमें लगता है कि अरे दुनिया दुनिया है, हमारी जो ज़िंदगी जो है वो कट रही है, वो कहीं और हैं, हम कहीं और। और जो चाइना से जो उस समय जो थ्रेट जो था, अब सोचिए कि एक एक उप प्रधानमंत्री को ये माने उन्होंने समझ लिया और दूसरे ने नहीं समझा। और ये इसीलिए मुझे लगा कि हमें बार बार इतिहास, अपने ही इतिहास को समझना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उससे जो हमें जो जो सबक हैं वो हमें सीखने चाहिए। और आज दुनिया जो है बाहर नहीं है, दुनिया आपके दरवाजे पे है, कभी कभी घर के अंदर है। ये कोविड महामारी किसको पता था 3 साल पहले कि ये महामारी कहीं और से हम सबके घर में आएगी। या आप देखिए अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, युद्ध का परिणाम आप देखिए कि पेट्रोल के दाम, अनाज के दाम, इन्फ्लेशन, इस पे क्या ये इनकी जो महंगाई जो इसके कारण कितनी बड़ी। या अगर आप आर्थिक दुनिया में देखें कि चीन से जो सामान जो आता है उसने हमारे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको कितनी चोट पहुंचाई। तो ये हम लोगों में कभी कभी जो जो विचार होता है कि विदेश नीति विदेश सीमा के बाहर, वो दुनिया में आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो दुनिया ख़त्म हो चुकी, पहले भी नहीं थी, उतनी नहीं थी, पर अभी तो ग्लोबलाइजेशन के इरा में दुनिया हमारे बिल्कुल घर में, मैं जैसे कहते हैं डोरस्टेप पे बैठी। और इसीलिए पर ये खाली इसमें अवसर भी है, ये खाली ये नहीं है कि चिंताएं, ये अवसर हैं कि वही दुनिया हमारे लिए एक एक्सपोर्ट मार्केट बन सकती है, रोजगारी के लिए वर्क प्लेस बन सकती है, या टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए वहाँ पार्टनरशिप्स बन सकते हैं। तो हमें जो है ये आने वाली पीढ़ियों को खासकर
दुनिया के बारे में ज्यादा ध्यान देना होगा, उनकी समझ और अच्छी होनी चाहिए।